तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम रूपेश। दोस्तों एक्चुअली शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एक्सिस बैंक का आप यदि नया एटीएम कार्ड पाए हैं तो उसका पिन आप कैसे जनरेट करेंगे, मैं पूरा तौर तरीका इस वीडियो में बताने वाला समझाने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक तभी करेगा ना जब आखिरी में आप सीख जाइएगा कि एक्सिस बैंक का एटीएम पिन हम कैसे बनाते हैं। उम्मीद है हमको ना कि आप इस वीडियो से पूरा पूरा सीख जाएंगे। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इस वीडियो के अलावा हमें पूरा पूरा उम्मीद है आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस वीडियो से आप सब कुछ सीख जाएंगे। आइए चलिए कि ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे, समझते हैं कैसे कैसे क्या, आइए पूरी अच्छे से बातें करते हैं। यदि आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का नया एटीएम कार्ड पाए हैं तो होगा कि आपको अपना नया वाला एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए अपने सबसे नजदीकी एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन पे चलना होगा। चलने से पहले आपको अपने साथ कुछ सामान मतलब कुछ चीज ले जाना होगा, जैसे यहाँ पे आपको अपने बैंक का पासबुक ले लेना है, आपको अपना नया वाला एटीएम कार्ड ले लेना है और जो मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक है वो वाला मोबाइल ले लेना है। ये तीन चीजें लेकर चलना एक बार और बताना चाहूंगा, बैंक पासबुक, रजिस्टर मोबाइल नंबर और नया एटीएम कार्ड, ये तीनों चीजें लेकर यहाँ पे अपने एटीएम मशीन पे पहुंचना होगा। आइए उसके बाद बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपके मन में कहीं कहीं सवाल चल रहा होगा, पहले एटीएम आता था तो साथ हमको पिन मिल जाता था लेकिन अब एटीएम आता है साथ में पिन नहीं आता क्योंकि कहीं कहीं फ्रॉड होने लगा, रास्ते में हमारा पिन वगैरह के साथ छेड़खानी होने लगी, इसलिए बैंक ने नया नियम बना दिया कि आप अपना पिन स्वयं क्यों ना एटीएम मशीन पे जाकर अपना मनचाहा पिन बनाए तो आपका जो पिन रहेगा सिक्योर रहेगा। तो बैंक ने मतलब कस्टमरों पर छोड़ दिया तो इसलिए अब पिन आपको खुद बनाना होता है, एटीएम के साथ पिन नहीं आते। आए चलिए आपका टाइम नहीं लेंगे, जल्दी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलते हैं हम खुद ही एटीएम मशीन पे चलेंगे और वहां पे लाइव दिखाते हैं कैसे कैसे आपको पिन बनाना है, कैसे कैसे क्या करना, आए सब कुछ सीख लेते हैं लाइव चलकर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन पे और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमको उम्मीद है आप अपना बैंक पासबुक और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आप अपना नया वाला एटीएम कार्ड लेकर ब्रांच पर आए होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो इस एटीएम मशीन पे आए हैं। अब आपको करना क्या है, अपने एटीएम कार्ड को कुछ इस तरह से पकड़ना है जैसा हम दिखा रहे हैं और जहाँ पे ग्रीन लाइट नीचे जल रही है वहाँ पे आपको अपने एटीएम को लगाना होगा। एटीएम कार्ड को जैसे ही लगाएंगे अंदर जाके एटीएम कार्ड लॉक हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है क्योंकि आजकल चिप वाले एटीएम आ रहे हैं। अंदर जाके एटीएम लॉक्ड हो जाएगा तो आप घबराइएगा मत, अंदर एटीएम रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, आपका डेटा रीड करेगा और आपके डिस्प्ले पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना इनपुट कर दिया है और हमारे सामने कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारे सामने सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सी भाषा चुनना चाहते हैं, जिस भाषा में आप मतलब अपना सारा कुछ काम कर पाएँ। तो यहाँ पर सब कुछ भाषा मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हैं इंग्लिश है, हिंदी है, बांग्ला है और तरह तरह की भाषाएँ हैं। यदि इसमें से आपकी कोई भाषा नहीं है ना तो नीचे जो मोर का ऑप्शन दिख रहा है दाहिने साइड में सबसे नीचे, तो आप मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अलग से कोई भाषा ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अनुसार अपना भाषा चुन लीजिए। लेकिन हमको यहाँ पे इंग्लिश भाषा चाहिए, अंग्रेजी भाषा, तो हम क्या करेंगे, दाहिने साइड पे जो सबसे ऊपर है ना फर्स्ट पे, उसके सामने वाली बटन पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हम एरो दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना होगा, फिर से आपके सामने नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बैंकिंग सर्विस, स्पेशल सर्विस, रजिस्ट्रेशन, सेट न्यू पिन। तो हमको क्या करना है, सेट न्यू पिन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना उसके सामने वाली बटन पर हमको क्लिक करना होगा। उसके सामने वाली बटन पर जैसे क्लिक करेंगे नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, थोड़ा सा हमको प्रतीक्षा करना होगा। मेरा एटीएम थोड़ा स्लो काम कर रहा है, एटीएम मशीन से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल बेहतरीन जानकारी आपको जो बिल्कुल रियलिटी होगी ना सब कुछ जानकारी आपको अच्छे से दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पे हमने सेट न्यू पिन वाले ऑप्शन पर जो बाएँ साइड में नीचे से दूसरे नंबर पर ऊपर की तरफ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नया इंटरफेस हमारे सामने फिर से यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि प्लीज़ वेट, मतलब थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए और अभी आपका काम हो रहा है, यहाँ पे अब हमारा काम आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ वेट कर रहा है, तो हम थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे और हमारा जो डेटा है काम कर रहा है, पिन के लिए हम लोग का कार्ड जो है तैयार हो रहा है। अब देख सकते हैं फिर से हमारे सामने नया वाला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ गया और यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ इंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो आपके खाते से लिंक है ना, वो वाला अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भरना होगा। तो नीचे कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड पे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए। भरने के बाद यस वाले बटन पे के सामने वाले बटन पर क्लिक करिए, जहाँ पे यस लिखा है उसके सामने वाले बटन पर जहाँ मैं एरो दिखाया हूँ, जैसे उस पर क्लिक करेंगे फिर से नया वाला इंटरफेस आएगा और कहेगा प्लीज़ इंटर योर बर्थडे, आपकी जन्मतिथि पूछ रहा है। तो आपकी जो भी जन्मतिथि हो, आपके आधार
कार्ड में होगा वो जन्म तिथि आपको लिखना होगा। जैसे देखिए मेरा जो जन्म तिथि है यहाँ पे 10 नवंबर 2001 है, तो मैंने लिखा है 10 और नवंबर महीना 11 होता है, 11 लिख दिया और 2001 लिख दिया। इसमें कहीं बीच में कोई चिन्ह कोई सिंबल नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना होगा जैसे मैंने लिखा है 10/11/2001। यह लिखने के बाद यस के सामने वाले बटन पर क्लिक करना जहाँ पर हम एरो दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे और यहाँ पर आपका काम हो रहा है। और अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वन टाइम पासवर्ड, उसी के मदद से हम लोग पिन बना पाएंगे। थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, हम लोग की OTP मिल जाएगी। अभी तो हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुकी है, OTP आने में 1-2 मिनट टाइम भी लग सकता है, आप वेट कर लीजिएगा। हमारी OTP आ चुकी है, हम अपना OTP भरेंगे। एक बात दोस्तों आपको बता दूँ, OTP जैसे ही आए OTP अपना मोबाइल निकालेगा उस पर आया होगा और यहाँ पर आपको OTP दर्ज कर देना होगा नीचे कीबोर्ड की मदद से जो कीपैड दिया है। OTP जैसे आप इंटर करेंगे उसके बाद कहीं क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिक नया वाला पेज आ जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना ATM कार्ड मत निकालिए, काम चल रहा है और थोड़ा सा वेट करिए, तो वेट थोड़ा सा कर लीजिए। दोस्तों यदि OTP नहीं आई है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज है कि नहीं है, क्योंकि रिचार्ज नहीं होता तब भी OTP नहीं आती है जैसा आप लोग को पता है। देखिए मेरी यहाँ पे फिर से आगे मेरा नया इंटरफेस आ गया। अब नया पिन बनाने वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज़ इंटर योर न्यू पिन। तो जो आपको 4 अंक का पिन बनाना हमेशा के लिए ना, वो वाला पिन आपको यहाँ पे भर देना होगा। जैसे मैंने अपना पिन 4 अंक का गोपनीय पिन भर दिया, जैसे पिन भरेंगे फिर से दोबारा से एक ऑप्शन आपके सामने शो होगा, प्लीज़ री इंटर योर पिन। तो दोबारा से वही पिन फिर से भर दीजिए, जो अभी भरे हैं ना 4 अंक का वही फिर से भर दीजिए, ये कन्फर्म करने के लिए होता है। जैसे ही भरेंगे ना फिर से आपके सामने अगला इंटरफेस यानी अगला पेज पॉपअप बन के आ जाएगा और आपका पिन देखिए कन्फर्मेशन के लिए तैयार हो रही है और कुछ क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अब कह रहा है डू नॉट रिमूव योर कार्ड और ट्रांजेक्शन इज बिंग प्रोसेस्ड, कह रहा आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, बस थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए और आपका पिन बन रहा है। तो ये जो 4 अंक का पिन आपने बनाया है ना, ये पिन अब हमेशा के लिए रहेगी और इसी के मदद से ना आप पैसा वगैरह निकाल पाएंगे। तो यह पिन जाके घर पे कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप भूलें ना भविष्य में, क्योंकि इसी मदद से आपको हमेशा भविष्य में ट्रांजेक्शन वगैरह करना है। तो अब देखिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, जब तक यहाँ पे कंफर्म ना हो जाए तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है थैंक यू, प्लीज़ कलेक्ट योर कार्ड। अब आपकी पिन बिल्कुल बन चुकी है अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ सावधानियाँ मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूँ, अब आपकी पिन बन चुकी है, आपको अपना ATM कार्ड ले लेना है, ATM कार्ड लेकर और ATM से बाहर तब निकलना है जब हरी वाली या नीली वाली बत्ती जलने लगे ATM मशीन में, तब बाहर निकल जाइए पहली बात। और ना जले तो कैंसिल या क्लियर वहाँ पे कीपैड में लिखा रहा था उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जलने लगी तब बाहर आप निकल जाइएगा जब बत्ती जलने लगे नीली या हरी वाली। और एक बात और बताना चाहूँगा, जिस टाइम आप अपना ATM का पिन भर रहे हैं ना, उस टाइम ध्यान दीजिएगा पीछे से कोई निगरानी ना करे, आपका पिन वगैरह ना देखे, क्योंकि पिन सिक्योर होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो थोड़ा अच्छे से भरिएगा। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आपका पिन कन्फर्म बन गया, आप चाहें तो इसी ATM मशीन में आप अपना बैलेंस चेक कर लीजिए। बैलेंस चेक करेंगे तो आपसे पिन मांगेगा, पिन जब भरेंगे तो कन्फर्म होगा कि आपका हाँ यही पिन है, तभी बैलेंस दिखाएगा, तो एक कन्फर्म हो जाएगा कि आपका ATM का पिन बन गया है। वैसे दोस्तों मैंने यह जो बता रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, यदि आप करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका पिन बन गया है और अब आप इस ATM कार्ड से आप ट्रांजेक्शन भविष्य में कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों जरूर बताएगा मेरे द्वारा दी गई वीडियो कैसी रही, यदि कोई भी मन में क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं आपका हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।